बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर शेयर करना चाहूँगा जी। मैं ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हुई हैं, मेरी न्यूज़ किसी भी इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक नहीं है कि आपका कोई भी किसी किस्म का इकामा एक्सपायर है या ये या वो है जी। मेरी ये आज की वीडियो सिर्फ शॉर्टली होगी और ये इस बच्चे के ऊपर होगी जो कि आप पिक्चर अभी देख रखे हैं। अच्छा, ये जो इनकी तस्वीर है ना जी, ये किसी भी बंदे की तरफ से, किसी सऊदी की तरफ से इनकी बनाएगी, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी गई। और सोशल मीडिया के ऊपर जब इनकी ये पिक्चर डल गया, फिर दो चार दिन में ही ये पिक्चर इनकी वायरल हुई। वायरल होने की रीज़न क्या थी? वायरल होने की रीज़न ये थी कि दो बहनें हैं जी इस बच्चे के साथ, सारा और नूरा, इन दोनों बहनों बच्चियों के नाम हैं जी। इस जो लड़का है जी, इसकी दोनों बहनें हैं, दोनों के बैग इसने उठाए हुए हैं और धूप में चल रहा है, तो पीछे से इनकी पिक्चर ली गई और सोशल मीडिया के ऊपर लगाएगी और पिक्चर इनकी वायरल हुई। उसके बाद खमीस मशीद के जो जी, यहाँ पर मैं आपको शायद एक दिखा भी रहे हैं उनकी पिक्चर, इनका नाम है जी खालिद बिन अब्दुल अजीज़। ये वज़ीर तनीम है जी, पूरे ज़िले के आप बोल रहे हैं, खमीस मशीद तसीर वगैरह वाला जो ज़िला है, तो इनकी तरफ से भी इनको शाबाश दी गई है और सराहा गया है। एक मैं आपको पिक्चर इनकी और दिखा रहा हूँ जो फ्रंट पेज से अभी ली गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इनकी बनी है जी। और बच्चे से जब ये सवाल पूछा गया है तो इनकी तरफ से ये कहा गया कि ये खमीस मशीद के कहाँ मदरसे में पढ़ते हैं, तो छुट्टी के टाइम धूप ज़्यादा थी इसलिए मैंने अपनी दोनों बहनों के जो बैग हैं वो उठा लिए, और इसके अलावा इस बच्चे को 2 साल की तलीम की मुफ्त ऑफ़र भी की गई है, और सोशल मीडिया की तरफ से कुछ सऊदी हजरात की तरफ से कुछ तोहफे वगैरह भी इस बच्चे को भेजे गए हैं। तो यार ये तो अलग मामला हो गया। मैंने जब ये पिक्चर कल देखी तो मैं उस टाइम देखकर माशाल्लाह बोल रहा था कि देख लें जी, एक लड़का है, उसे पता है ये मेरी दोनों बहनें हैं। हालांकि आपको पता है जी बच्चे हैं, तो फिर भी अपनी दोनों बहनों के बैग उठाए हुए हैं। भाई भाई बहनों के मुहाफ़िज़ होते हैं, ये तो क्लियर है।